जय माता दी सभी भक्तों को। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, नवरात्रि अभी आने वाली है और नौ देवी के जो रूप हैं उनके बारे में जानेंगे, उनका जो विशेष भोग है उनके बारे में जानेंगे, जो नौ देवियां हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी कुछ खास बातें भी जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंडघंटा माता, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अंत में सिद्धदात्री माता आती हैं। इन नौ देवियों की खास बातें क्या हैं और इन नौ देवियों की पूजा कैसे की जाती है, उन सब के बारे में जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे देवी माता के नौ रूप और उनके नौ विशेष भोग क्या क्या हैं। इस वीडियो में आज की सारी तस्वीर दिखाई जाएगी, प्रतिमाएं दिखाई जाएंगी नौ देवी की और उन्हीं के बारे में खास आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, कमेंट में एक बार लिख दें जय माता दी और वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि नवरात्र के नौ दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के नौ रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन नौ रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के नौ दिन में माँ दुर्गा के नौ रूपों का पूजन किया जाता है। उनमें सबसे पहला नाम आता है शैलपुत्री, दूसरा आता है ब्रह्मचारिणी, तीसरा आता है चंद्रघंटा, चौथा आता है कुष्मंडा, पांचवा आता है स्कंद माता, छठा आता है कात्यायनी, सातवां आता है कालरात्रि, आठवां आता है महागौरी, नौवां आता है सिद्धात्री माता की पूजन किया जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद जो अश्विनी मास हो गया या शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो है उपवासों का जो है समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक को यह जिज्ञासा होती है वह माता को भोग में क्या दे या माता को शीघ्र प्रसन्न हो जाए और जो भी मनोकामनाएं हो वह पूरी हो जाए। और यह आपको पता है कि नौ देवियों के जो खासकर सभी के सभी लोग घर में कोई ना कोई होता है, जब भी नवरात्रि आती है तो माता की जो है पूजा कोई ना कोई आपके घर में कर ही रहा होता है। हमारे हिंदुओं में एक बात कही गई है, हिंदुओं को कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। व्रत के किसी भी उद्देश्य के लिए हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाना जरूरी होता है, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्र के नौ दिनों में नौ देवियों के अलग अलग भोग लगाया जाता है और ये सारी की सारी देवियों के बारे में हम जानते हैं। पहले बात करते हैं माता शैलपुत्री को लगाया जाने वाला भोग। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रा स्टार्ट होता है और नवरात्रा का पहला दिन माता जो है शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री जो है पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण से उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास करने से माता के चरणों में जो है माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो शैलपुत्री माता हैं उनके जो चरण हैं, चरणों में गाय का शुद्ध देसी घी अगर लगाओगे तो जो है आपको जो भी मनोकामना होती है उसकी प्राप्ति होती है और उपवास करने वाला जो है हमेशा निरोगी रहता है, मतलब कभी कोई बीमार नहीं होता अगर वह व्यक्ति जो माता के चरणों में माँ का जो गाय का घी शुद्ध लगाएगा। बात की जाए दूसरा तो माता हैं ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग। माता का ऐसी मान्यता है कि अश्विनी मास के दूसरी तिथि जब वो दूसरा दिन होता है वह जो है माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। उस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तत्व स्वरूप पूजा की जाती है। तपस्विनी के रूप में माता की पूजा की जाती है। माता जो माता को तपस्विनी रूप में इसलिए पूजा की जाती है, ब्रह्मचारिणी माता जो है ऐसी मान्यता है माता पार्वती भगवान शंकर की पति के रूप में पाने की तपस्या की साधना की थी ब्रह्मचारिणी माता ने, तो उसी रूप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और इस दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान से सुनते जाना कि जो नवरात्रि की जो नौ देवियाँ हैं उनके सबके आप पूजा करते हो तो उनके अलग अलग जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बात की जाए तीसरे दिन की चंद्रघंटा माता हैं, तीसरे दिन की पूजा चंद्रघंटा माता की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजा अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी इच्छा जो है पूरी हो जाती है तथा वह सांसारिक कष्टों से भी मुक्त रहता है। माता की पूजा करने के समय उनको जो है दूध या घाय से बनी, ठीक है, दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल में ब्राह्मण के लिए भी
एक जो प्रसाद होता है वो निकाल दिया जाता है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा भी दान में दी जाती है। तो आप ये ध्यान रखना, चंद्र घंटा माता का जो है पहले भोग लगाया जाता है, किसी ब्राह्मण को भी अगर आप खाना खिला सकें, साथ में जो है कुछ दक्षिणा भी अगर दे सकें तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। माता चंद घंटा को खीर का भोग लगाने और उपवासक को दुखी से मुक्ति हो, कोई भी व्यक्ति होगा अगर उसको कोई भी दुख तकलीफ है तो वह उससे बहुत ही जल्द मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। यह माता चंद घंटा के द्वारा जो है बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं जो है माता कुष्मंडा है, जो चौथे दिन की पूजा की जाती है। इनकी पूजा आराधना जो है चौथे दिन की जाती है। यह माता कुष्मंडा का चौथा रूप है। यह जो है यह ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मंडा के उदर से हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रि को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास रखता है उसको समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने से इस दिन उनकी जो है मालपुआ में भोग लगाया जाता है। तो माता कुष्मांडा को जो है मालपुआ का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ माना जाता है। और इस दिन जो है माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक को बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय के साथ साथ उसकी शक्ति को भी बढ़ाती हैं। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि माता कुष्मंडा का जो है भोग जो है मालपुआ का लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं माता स्कंद माता की। स्कंद माता की अगर बात की जाए तो जो स्कंद माता है ये अश्विनी मास की जो है माता दुर्गा को अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। नवरात्रि के पांचवें दिन जो है स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता जो है कुमार कार्तिकेय की माते हैं। आप कार्तिकेय को जानते हैं। पांचवें दिन के रूप में जिस तरीके से माता की पूजा की जाती है या उनका जो आराधना या उपासक जो भी करता है उनको सभी की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वह अलग तरीके से प्राप्त होती हैं कि जो आप सभी पता है सिद्धियां एक भी अगर किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो पूरे जो है ब्रह्मांड में जो है हड़कंप मचा सकता है अगर एक सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। तो माता की जो सारी सिद्धियाँ हैं वह सबको सभी के सभी नहीं प्राप्त होती हैं, उसके लिए बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ माता की एक पूजा कर लोगे या फिर एक नवरात्रि आप रख लोगे तब जाकर आपको सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन नहीं, स्कंद माता की आप ऐसी है माता की आप पूजा करोगे स्कंद माता की तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वह जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि एक सिद्धियाँ आपको प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को जो है केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केला का भोग लगाने से दूसरे जो व्यक्ति लगा रहा है माता के भोग उसके जो है शरीर में कोई भी और किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो पाती है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद बात की जाए छठा दिन आता है माँ कात्यायनी। छठा दिन माता कात्यायनी के लिए जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। अश्विनी मास की षष्ठी तिथि को जो है माता के रूप में पूजा की जाती है। माता कात्यायनी जो है ऋषि कात्यायन की पुत्री मानी जाती हैं। माता को जो है अपनी तपस्या से करने के बाद उनके यहाँ माता के जो है माता ने पुत्री रूपी के रूप में माता ने जन्म लिया था। कात्यायनी जो ऋषि हैं उनके यहाँ पर इसी कारण से वह कात्यायनी कहलाई। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा व आराधना की जाती है। इस दिन माता का भोग में जो है शहद भोग में लगाया जाता है। तब ये देखो ना, एक माता है कात्यायनी जिनका जो है भोग में लगाया जाता है शहद, तो कात्यायनी माता को शहद भोग में लगाया जाता है और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से जो भी पूजा कर रहा है माता की जो भी भोग लगा रहा है उस उपवासक को आकर्षण शक्ति की वृद्धि प्राप्त होती है। कि मतलब कहते नहीं आपको अगर कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं या किसी को मनमोहक चीज़ मिल जाती है या कोई आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, तो माता कात्यायनी की पूजा करने से जो है जो भी आपकी मनोकामना होती है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और माता कात्यायनी को जो भोग लगाया जाता है वह शहद का लगाया जाता है। शहद लगाते हैं, शहद जो है माता कात्यायनी को बहुत ही जो है पसंद माना जाता है। बात की जाए सप्तमी वाले दिन, तो सप्तमी वाले दिन माता कालरात्रि की जो है पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि के माता तिथि कालरात्रि स्वरूप में जो है पूजा आराधना की जाती है। कालरात्रि माता का नाम से ही आपको पता लग रहा है, काल अगर आपके ऊपर काल मंडरा रहा है तो जो है वह खत्म हो जाएगा। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों को नाश करने वाली मानी जाती है, इसलिए उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के सातवें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को जो है गुड़ का भोग
लगाया जाता है। तो कालरात्रि माता को गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ का भोग माता को लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली में जो है भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी दिया जाता है। जो माता का भोग लगाते हैं, हो सके कोई ब्राह्मण हो तो उनके भी कुछ ना कुछ उनको जो है खिलाएं, और जो है साथ में जो है उनको कुछ दान दक्षिणा। इस प्रकार जो है माता की पूजा करने से व्यक्ति के आने वाले शोक, मतलब समझ रहे हो, माता जो है काल रात्रि है तो आपके घर में अगर कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे आपके घर में शोक होगा तो वह नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखो, काल रात्रि माता जो है मेनली जो है शोक नष्ट करने वाली माता मानी जाती हैं। और आपके घर में कोई दुर्घटना घटने वाली है, आकस्मिक रूप से संकट आने वाला, अचानक से कोई संकट आने वाला है, कहते नहीं किसी एक्सीडेंट हो गया तो उसके साथ ऐसा हो गया, कुछ किसी ने कुछ गलत कदम उठा लिया, लेकिन ऐसे ही है कालरात्रि माता का अगर आप पूजा करते हो वह सारी की सारी जो है चीज़ें आपके घर में नहीं आएंगी, इसीलिए कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। इसके बाद आता है 8वें दिन दुर्गाष्टमी जिसे कहते हैं, उस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की जो है अपने महागौरी जो है अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम जो है महागौरी पड़ा है। माता के महागौरी के रूप में पूजा करने और माता को प्रसन्न करने के लिए उपवासक को हर असंभव कार्य को संभव करने का आशीर्वाद माता देती हैं। इस दिन माता को भोग के रूप में नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल का भोग लगाया जाता है माता महागौरी को, और ब्राह्मण को नारियल दान में देकर या कुछ देने की प्रथा मानी जाती है। यह माता के निसंतानों को जो है, निसंतान अगर कोई है उसको जो है सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है महागौरी की पूजा करने से। बात की जाए बात में सिद्धात्री माता का, आप सभी पता है सिद्धात्री माता, नवरात्रि माता, 9वें दिन की पूजा माता सिद्धात्री की पूजा की आराधना की जाती है। माता सिद्धात्री के सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है, इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि के व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को जो है तिल का भोग लगाना अति कल्याणकारी माना जाता है। तो ये सोच लो सिद्धात्री माता जो उनको जो है तिल का भोग लगाया जाता है, यह उपवास व्यक्ति को जो है मृत्यु के भव से राहत करता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। तो ये जो माता हैं सिद्धात्री, इनको जो है तिल का भोग लगता है, और तिल का भोग लगाने से जो है मृत्यु का भय नहीं रहता कभी भी और जीवन में कोई घटना नहीं घटती।